दोस्तों इस रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन पर हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग एडसेंस है या दोस्तों तो मैं कहूँ एडमोब से, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। तो इससे पहले भी आपने बहुत सारे अगर ऐसे ऐप्स ट्राई किए होंगे तो जहाँ पर आप सेल्फ क्लिक करते हैं या अर्निंग ऐप, वहाँ पर आपकी हो जाती है एडसेंस अकाउंट सस्पेंड, जो कि बहुत ही बुरी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल लीगल तरीका, यहाँ से आप पैसे अच्छे से कमा पाएंगे और यहाँ पर आपकी इनवैलिड एक्टिविटी भी नहीं होगी और जो ऐप आप यहाँ पर बनाएंगे वो आपके फ्रेंड्स भी बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, आपको कुछ बोलने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं आज, अगर आप बात कर लें हम पिक्सार्ट ऐप की, तो लगभग सभी लोग यूज करते हैं, बहुत ही अच्छी रेटिंग्स भी है इसकी, आप प्ले स्टोर पर देख सकते हैं। तो क्यों ना इस ऐप में आप अपनी एड्स लगा लें और ये ऐप आप अपने फ्रेंड्स को जो यूज करते रहते हैं उनको शेयर कर दें। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे इस ऐप को एडिट करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ऐसे काफी सारे ऐप हैं जिनमें जिनकी एड आप हटा के और अपनी वहां पर एड लगा सकते हैं, फिर आप अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करके और वहां से आप बहुत अच्छी अर्निंग, अगर वो क्लिक करते हैं ना भी करते हैं तो दोस्तों आप ऐप और लोगों को शेयर करते जाइए दोस्तों, वहां पर आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। ये आपके लिए मैं गारंटी देता हूं कि आप आराम से अगर आप बहुत सारे ऐप्स बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी अर्निंग आप 100 200 300 डॉलर तो आराम से अर्निंग वहां पर कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एपीके एडिटर प्रो ओपन कर लेना है और यहां पर आपको सेलेक्ट ऐप फ्रॉम ऐप, अगर आपके मोबाइल में पिक्सआर्ट इंस्टॉल है तो आपको यहां पर जाना है और यहां से आपको ये ऐप ले लेना है। जैसे मैं यहां से पिक्सआर्ट को फाइंड कर लेता हूं और आपको यहां पर क्लिक करना है फुल एडिट में। तो दोस्तों यहाँ पर ये एडिट हो चुका है और आप देख सकते हैं हम इसकी एड यूनिट्स चेंज कर देंगे, मतलब इनका एड कोड हटा के अपना एड कोड लगा देंगे, फिर ये पिक्सार्ट ऐप वैसे ही सेम काम करेगा लेकिन एड्स जो आएंगी वो हमारी आएंगी, जो अर्निंग होगी वो हमारे लिए होगी। तो दोस्तों ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों पिक्सार्ट यहाँ पर, और लोड होने के बाद मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दे रहा हूँ। ये देखते हैं आप लोड हो चुका है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है इसको आपको टिक करके और इसको डिफ़ॉल्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है लास्ट में है जो कि, और उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड यूनिट्स इस ऐप की दिखाई जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी ऐड यूनिट देख सकते हैं, ये एक ऐड यूनिट है और ये सेकेंड ऐड यूनिट है। अगर आप पिक्सार्ट यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कितनी ऐड यूनिट्स उसमें आती है, ये थर्ड ऐड यूनिट है। दोस्तों इन सारी एड्स को हटा के आप अपनी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं, डाल सकते हैं और फिर से दोस्तों इसी ऐप की मदद से इस ऐप को आप एक्सपोर्ट कर लेंगे दोस्तों। अगर आपने ये एपीके एडिटर प्रो यूज़ किया होगा तो पता ही होगा आपको, उसके बाद आपको ये ऐप कर लेना है वापस एक्सपोर्ट, सेव कर लेना है अपनी फाइल्स में, है ना दोस्तों, और उसके बाद आपका काम हो गया दोस्तों। यहाँ पर मैंने अभी ऐड अपनी नहीं लगाई है, नहीं तो मैं आपको एक्सपोर्ट करके बताता, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप अपनी ऐड चेंज करके और इस ऐप को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद इस ऐप को आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल ऐप है जो आपके सभी फ्रेंड्स यूज करते होंगे तो उनकी आप ऐड यूनिट्स चेंज करके और उन्हीं को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों आप बहुत अच्छी अर्निंग कर पाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।